हर सपने को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि एसएससी ने जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया था जिसमें एसएससी जीडी 2023 और 24 के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपका जो फॉर्म आने वाला है फ्रेंड्स वो कब आने वाला है, नवंबर में आना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसमें आरटीआई ने एक जो है अपना रिव्यू दिया है, तो फ्रेंड्स हम उस रिव्यू पे आज चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है और हम आपको लास्ट में एक बहुत बड़ी खुशखबरी और देने वाले हैं। तो बस आपको फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आरटीआई ने जो है अपना जारी कर दिया है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स जबरदस्त तरीके से, जैसा कि इसमें देखिए फ्रेंड्स मैं अगर आपकी बात करता हूँ, तो जैसे एसएससी सीट जीडी का है, एसएससी एसआई जीडी का है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, सीपीओ एसआई है, जैसे आपका यूपीएससी सीए पीएफ है, एसी, यानी बहुत सारी वैकेंसी इसे इंक्लूड हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, जैसे आपको इसमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा सीआरपीएफ की 29,283 के आसपास वैकेंसी दिया है। अब बीएसएफ की देखिए फ्रेंड्स 19,987 दे रहा है, आईटीबीपी का 4142 दे रहा है, एसएसबी का 8273 जो है दे रहा है, सीआईएसएफ का 19,475 दे रहा है और असम राइफल्स का 3706, यानी टोटल वैकेंसी एसएससी जीडी की कितनी आने वाली है फ्रेंड्स, 84,866 के करीब वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे अनुमान है कि बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो अगर नियर अबाउट अगर मैं देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपका सीपीओ एसआई हो गया, यूपीएससी हो गया, अगर मैं लगभग 4,866 वैकेंसी यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ, तो भी नियर अबाउट इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, कितने के, 84,000 के। लेकिन फ्रेंड्स ये वक्त ही बताएगा कि वैकेंसी आएगी कितनी, क्योंकि फ्रेंड्स नवंबर में आपको डेट दिया गया है कि नवंबर में जो है आपका फॉर्म आएगा, क्लियर है। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पे आप लोग देख सकते हैं, द नोटिफिकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 विद डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज कंटेन्ड द रेंज इज लाइकली टू बी इशूड बाई एस एस सी इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2023, यानी एस एस सी जो है नवंबर दिसंबर के करीब जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर है। जैसा कि फ्रेंड्स ये आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख भी रहा होगा एकदम बेहतर तरीके से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, तो आपको जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स लग के पढ़ना है एकदम बेहतर तरीके से, क्लियर है। और देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज लाया हूँ, अभी आपको अंत तक बनना है, बने रहना है मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स एसएससी जीडी वैकेंसी आपको पता है कि कितना दिया है, 8,000 कितना दिया है, 84,866 दिया है, क्लियर है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अगर मैं इसमें मैंने कहा कि 4,866 अदर वैकेंसी के लिए निकाल दें, तो भी लगभग 84,000 के आसपास वैकेंसी जो मेरा अनुमान है देखने को मिलेगी। देखिए जो इसका पे स्केल है फ्रेंड्स, पे लेवल 3 होता है, 21,700 से 69,100 तक आपकी सैलरी होता है। अप्लीकेशन फॉर्म आपका फ्रेंड्स ऑनलाइन फिलअप होगा, जो आपका एग्जाम होगा फ्रेंड्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका रिलीज डेट होगा, यानी जब नोटिफिकेशन आपका आउट होगा, कब होगा, 24 नवंबर 2023 को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स संभवतः जो आपका एग्जाम है वो फरवरी से मार्च में होगा। जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है फ्रेंड्स, 18 से 23 साल की आपकी क्या है फ्रेंड्स, एज लिमिट है, क्लियर है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से सारी जानकारी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स को किस सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना ही जानना है कि मैथ में देखिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 नंबर के होते हैं, इस बात का ध्यान देना। रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है 40 नंबर के। और उसके बाद हम अगर जनरल अवेयरनेस और जीके की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, कितने मार्क्स से, 40 मार्क्स से देखने को मिलते हैं। अगर हम इंग्लिश या हिंदी की बात करते हैं, तो 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 40 नंबर के। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.5 मार्क्स है, कितने हैं, 0.5 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब कितना है फ्रेंड्स, 1/4 है। अगर 2 का हम 1/4 करते हैं, 1/4 का मतलब फ्रेंड्स 0.25, क्लियर है। तो इसका मतलब 0.2 एक चौथाई ही आपका माइनस मार्किंग रहने वाला है। 2 का 1/4 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 0.5 मार्क्स आएगा, इस बात का भी आपको ध्यान देना है, क्लियर है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, तो हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
हम आपके लिए देखिए फ्रेंड्स यूनिक बैच जुनूने जीत, जिसमें मैंने फ्रेंड्स टारगेट किया है आप लोगों के लिए यूपीपी। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो आपके लिए टारगेट किया है वो क्या टारगेट किया है, यूपीपी यूपीएसआई जीडी दिल्ली कांस्टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो बैच है हमने डिफेंस के लिए लाया है, जिसमें यूपीपी की आपकी 62,000 वैकेंसी आने वाली थी, दिल्ली कांस्टेबल 7,547। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आप जीडी ही पढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपको जबरदस्त तरीके से जो बच्चे जीडी पढ़ेंगे हो सकता है आगे यूपीपी भी देंगे, दिल्ली कांस्टेबल का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यूनिक बैच जुनून जीत लॉन्च किया है, जिसमें मैं फ्रेंड्स एवरेज कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स जितना लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, जितना लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं उतना फ्रेंड्स मैंने यहां पे पढ़ा दिया है। अगर आप किसी का भी पेड कोर्स लिए होंगे तो आप कंपैरिजन करा लीजिएगा, मैंने एवरेज कंप्लीट पढ़ा दिया है फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम और रीजनिंग में भी मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें डाल रहा हूँ, क्लियर है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड जीके के लिए मैं जीके भी आप लोगों के लिए अवेलेबल जबरदस्त तरीके से यहां पे करवा रहा हूं, टॉप 50 जीके सीरीज, जिसमें मैं जो है आपको रिकॉर्ड करके सारी चीजें अवेलेबल कराता हूं। देखिए फ्रेंड्स जो मेरी मैथ की वीडियो रहती है वो कितने रहती है, 18 से 20 मिनट की रहती है। रिकॉर्डिंग जितना लोग फ्रेंड्स लाइव 1 घंटे में पढ़ाते हैं उतना मैं रिकॉर्डिंग 18 से 20 मिनट में कंटेंट देता हूं। देखिए फ्रेंड्स समय भी आपको बचाना है, कहते नहीं है कि अगर आज आप समय बचाएंगे तो कल समय आपको बचा लेगा, तो आपको समय भी बेहतर तरीके से बचाता है, क्लियर है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स आपको बेहतर तरीके से लग के पढ़ना है और अपने सपनों को और अपने माँ बाप का सपना जबरदस्त तरीके से पूरा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से जबरदस्त आने वाले समय में पूरे YouTube का नंबर 1 चैनल बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।